नाराज शिवसेना आमदार एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली गुवाहाटीमध्ये दाखल झाले असून आसामच्या गुवाहाटी विमानतळावर मोठा पोलीस बंदोबस्त या दरम्यान तैनात ठेवण्यात आला होता यावेळेस भाजपाचे खासदार देखील आमदारांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर हजर होते गुवाहाटी विमानतळाबाहेरून त्यांना कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत हॉटेलपर्यंत नेण्यात आलं यावेळेस मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि भाजप कार्यकर्त्यांचा ताफा ही आमदारांच्या गाड्यांसोबत हॉटेलपर्यंत गेला होता गुवाहाटी आमसे प्रतिनिधि विपुल बर्मन अपने सो बता है विपुल जी महाराष्ट्र की राजनीति में आज दिन भर उलट-पलट रहने वाली है और उसकी हलचल जो है वो गुवाहाटी में नजर आ रही है के अभी गुवाहाटी मेरा पीछे में जो ये रेडिसन ब्लू होटल है हम लोग का सीनियर कैमरा पर्सन संजय बोरा आ, उसने दिखा रहा है कि यही है रेडिसन ब्लू इधर में जो सिक्योरिटी पर्सन है वो इसमें इंतजाम किया है सिक्योरिटी पर्सन और अभी थोड़ा देर पहले ये होटल में अभी जो हम लोग का आसाम का आसाम का पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है वो पीजू हाजोरी का वो अंदर में है अभी और आपका टूरिज्म मिनिस्टर टूरिज्म मिनिस्टर भी जयंत मल्ला वो भी अंदर में है तो दो दो मिनिस्टर हैं बीजेपी का भाजपा का और आपका एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तेजपुर कॉन्स्टिट्युए लोकसभा पल्लभ लोशन दास भी हैं और बीजेपी का भाजपा का थावरा कॉन्स्टिट्युएंसी का एमएलए सुशांत बुरागवाए हैं तो, बुरा है। तो बीजेपी का जो आसाम का जो लोकल लीडर है ये मिनिस्टर एमएलए और एम वो लोग अभी जो इधर में आ, अभी महाराष्ट्र से जितना भी एमएलए आए हैं 40 एमएलए वो लोग साथ में उधर में थोड़ा डिस्कस करेगा अभी नाइन फोर्टी फाइव में मीटिंग है और थोड़ा देर पहले जब ये टीम आके जो एकनाथ जी सोभाजी सिंधे साहब उसका टीम जब आके इधर में पहुंचा उसका पहले ही आसाम का चीफ मिनिस्टर ये रेडिसन ब्लू से चला गया है तो रेडिसन ब्लू में रात में भी इधर में आसाम का चीफ मिनिस्टर था और एक्चुअली देखिए टोटल जो, तो तो जो महाराष्ट्र का जो सीट है वो टू एट्टी एट टोटल एमएलए कॉन्स्टिटुएंसी है और उसमें अभी वन तो महाविकास आघाड़ी जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे साहब का था ही लेकिन उससे अगर फोर्टी एम माइनस हो गया तो इससे महासंकट हो सकता है और अभी हम लोग जो होटल दिखाई दे सिक्योरिटी पर्सन देखिए ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी है कॉन्स्टेबल भी है पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी भी है तो अभी सौ से भी ज़्यादा जो ये पुलिस का पुलिस सिक्योरिटी पर्सन इंतजाम किया है ये रेडिशन ब्लू होटल का बाहर में और हम हम लोग कल ग्यारह बजे रात ग्यारह बजे से इंतजार कर रहा था ये जो गोपीनाथ बोडोलो भारत रत्न जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसका बाहर में पहले खबर मिला था कि एक बार गुवाहाटी नहीं आएगा अहमदाबाद मालदीप जाएगा, जाएगा बोल के भी खबर मिला था जी, तो जी बाद में भी बहुत सी चर्चाएं हो रही आ, थी लेकिन आखिर ये सभी विधायक गुवाहाटी पहुंच गए शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए हमसे प्रतिनिधि विपुल बर्मन गुवाहाटी अपने लापूर्ण